प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। एक पर्दे से मेरा दिल ले गया, जाते मीठा मीठा हम दे गए। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको डेंटल फार्मूला के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डेंटल फार्मूला। ये तो आप जानते होंगे, दांत, हम लोग के मुख में दांत की जो ये नंबरिंग होती है, नाम जो होता है, ये इंसाइसर कैनाइन प्री मोलर मोलर होता है। लेकिन एग्ज़ाम में ये सेकेंस इसका याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस सीक्वेंस का ही कमाल है, इस सीक्वेंस के आधार पर ही डेंटल फार्मूला बनता है। तो आज से कुछ वर्ष पहले एक मार्केट में बहुत ही फेमस गीत आई थी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते बहुत आगे भी गाना है, मैंने मेन उसका ये है कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया। अब देखिए कैसे है इस गाने के आधार पर, ये एक यानी आई से इंसीसर, जिसका काम होता है कटिंग एंड बिटिंग। दूसरा होता है कैनाइन, कैनाइन ने काम किया टियरिंग एंड पर्सिंग। तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। तो ये देखिए यहाँ पैरो दिया हुआ है, सीक्वेंस में है। जब ये माउथ के अंदर में आगे से पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सबसे आगे क्या होगा, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, मतलब इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो गाने पर आ जाइए, एक एक पर देसी मेरा दिल ले गया। तो इसमें आपका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं हो सकता है, गाना आपको याद रहेगा तो ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं हो सकता है। पुनः रिपीट करते हैं, आई फॉर इंसीजर कटिंग और बिटिंग के लिए है, सी कैनाइन टीयरिंग एंड पर्सिंग के लिए है, प्री मोलर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए है, मोलर यहाँ एम से मोलर, मोलर है क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेटिंग के लिए है। अब आइए इसके बाद जो है डेंटल फार्मूला बना। तो अब ये एक सेट है, दो सेट, फिर नीचे वाला एक सेट, मैं टोटल ये चार सेट होते हैं। एक सेट में दांत जो है तो याद करने के लिए बताते हैं, पहले क्या कीजिए, आप चार बार दो लिख दीजिए, टू 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 टू। तो गाना है कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया, तो देखिए यहाँ से दिल लेके जा रहा है, अब दिल दे दिया इनको बेचारे को, इनसे इनका मतलब यहाँ से दिल लेके इधर गया, तो यहाँ से एक हटा, तो देखिए यहाँ से एक हटा तो यहाँ हो गया वन, और एक यहाँ जुटा तो यहाँ हो गया थ्री। तो याद रखने के लिए बनाया हुआ है, टू 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 पहले लिख लीजिए, यहाँ से एक जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो टू वन टू थ्री फार्मूला बनाइए। मैंने एक सेट का टू वन टू थ्री, टू वन टू थ्री, फिर नीचे वाला टू वन टू थ्री, टू वन टू थ्री। तो ये परमानेंट इथ, जो हम लोग का मैच्योर्ड पर्सन का परमानेंट इथ का फार्मूला ये टू वन टू थ्री का है, और मिल्क इथ का फार्मूला जो होता है ह्यूमन का टू वन जीरो टू होता है। ये टू वन यानी इसमें प्री मोलर एब्सेंट होता है। पुनः इसको रिपीट करते हैं, ये आपको गाने के आधार पर ये बनाया हुआ है। गाने पर जो बनाया जाता है इसका मेन उद्देश्य कि एग्जाम पीरियड में छात्रों के द्वारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो कन्फ्यूजन ना हो, एग्जाम में सफल हो। ऐसे आप कह सकते हो कि ये जो कोड है एक तरह से कन्फ्यूजन किलर है, ये कन्फ्यूजन को मार देगा, ये कन्फ्यूजन आने नहीं देगा। पूरा 11-12 मिलाकर 1000 कोड है, एक गाना के लिए केवल एक ही कोड है। ऐसा नहीं होगा कि ये गाना फिर दूसरे के लिए रिपीट करेगा। यहाँ लिखा हुआ नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड, यानी ये कोड अगर याद है तो आप एग्जाम में ये करोगे। यहाँ पर सिर्फ डेंटल फार्मूला के सीक्वेंस को, डेंटल फार्मूला किस किस नाम से जाना जाता है उसको, ये जो दांत ये टीथ है किस नाम जाना जाता है, और डेंटल फार्मूला कैसे डिराइव किए हैं इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में और भी है तो अगले वीडियो में बताएंगे। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए और भविष्य में सफल बनिए। नमस्कार।